हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो यार आज मैं खेलने वाला हूँ मॉडर्न वॉरशिप गेम, और ये गेम मैं बहुत दिनों से जोड़ रहा था। मतलब कि इस टाइप का गेम जिसमें हम लोग शिप भी चला सकें, सबमरीन भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि इस गेम में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि प्लेन चला सकते हैं और हेलीकॉप्टर्स, काफ़ी हाईटेक हाईटेक ड्रोन्स हैं इसमें, और काफ़ी हाईटेक शिप्स हैं जो कि अभी रियल लाइफ में लॉन्च भी नहीं है, मतलब बनी भी नहीं है, और इन लोगों ने लॉन्च कर दिए हैं इस गेम में। आप लोगों को खेलने में बहुत मज़ा आएगा, और काफ़ी खतरनाक खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स है, काफ़ी खतरनाक हाईटेक मशीन गन्स हैं। बहुत मज़ा आता है खेलने में, और आप लोग भी एक बार इस गेम को ज़रूर डाउनलोड करके खेलना। और हाँ यार, ये सभी डिवाइसेस में उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लैग करेगा। मेरे खुद डिवाइस में ये इतना ज़्यादा लैग कर रहा था कि क्या ही बताऊँ, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह रिकॉर्ड किया। और ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, यानी कि हम लोग इसमें अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करके खेल सकते हैं, जैसे कि अदर बैटल रॉयल्स गेम में होता है, अपने फ्रेंड को ऐड करके उनसे बातें करके हम लोग उनके साथ खेलते हैं, सेम उसी तरह इसमें भी होता है। अभी इसमें मेरे को एक छोटा सा मिशन मिला जिसमें अदर कंट्रीज़ के शिप्स ने हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया है, तो हमको उसी को बचाने जाना है। तो चलो चलते हैं, और मिशन में जाने से पहले एक मैं ख़तरनाक सा शिप ले लूँ। मेरे पास अभी पैसे हैं तो मैं शिप ले लेता हूँ ख़तरनाक सा। अबे ये अटक क्यों गया भाई? गेम अच्छा चलने लगा, अटक गया था यार अभी, मेरे को लगा गया भाई मेरा फ़ोन। और अभी जो मैं शिप चला रहा हूँ ना, वो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें मिसाइल्स लगे हुए हैं और ऑटो कैनन्स, ऑटो मतलब डिफेंस, एयर डिफेंस के लिए भी मिसाइल्स हैं। और बाकी तो मैं इसका फाइटर जेट और ड्रोन कंट्रोल कर सकता हूँ, और हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अभी मैं फाइटर जेट चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे फाइटर जेट चलाने का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत ही ज़्यादा इस तरह वाले प्लेन्स मतलब गेम खेला हूँ फाइटर जेट वाले। तो अभी एनिमी दिख नहीं रहे, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में तो पहुँच गया हूँ। इधर हैं मगर यार रेंज नहीं जा रही। अरे मिसाइल चली गई भाई, कितनी ज़्यादा ख़तरनाक मिसाइल हैं यार इनके पास, इन फाइटर जेट्स। ये रसिया का फाइटर जेट है मेरे ख्याल से, इसका नाम है SU-57B फेलॉन। भाई एक सेकंड में उस शिप की हालत ख़राब हो गई भाई, पूरी ख़त्म हो गई शिप। तो अभी एक सबमरीन बची हुई है, और बाकी दो ख़तरनाक से शिप बचे हुए हैं एनिमी टीम में। तो अभी मेरी हेल्थ इन लोगों ने कम कर दिया, जल्दी से मैं रिलोड करा लेता हूँ, फिर आएंगे फिर से वापस। और अभी तो मुझे ड्रोन भी चलाना है, ड्रोन भी बहुत ही ख़तरनाक है इसका। भाई यार फीलिंग आती है यार, ऐसा लगता है कि अपन लोग किसी वॉर में मतलब खड़े हैं, ऐसा सचमुच में लगेगा अगर आप लोग खेलोगे इस गेम को तो। हाँ मगर संभल के खेलना, क्योंकि फ़ोन का स्वाहा होने का भी चांस रहेगा इस गेम को खेलते वक्त। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना यार, आप लोग को ये गेम कैसा लगा, और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो कैसे लगे। मेरे को तो बहुत ही अच्छे लगे भाई, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स हैं। ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ PC में खेल रहा है आदमी। और बाकी अभी एक सबमरीन बची है, और एक और शिप बची है जिसकी हालत तो ख़राब कर दी है मैंने। सबमरीन को मारना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो पानी के नीचे भाई उसके ऊपर एम नहीं जाता ना, उसके ऊपर टॉर्पीडो लगाना पड़ता है, तो जो कि मेरे शिप में है नहीं, ना तो मेरे किसी फाइटर जेट में है, ना तो ड्रोन में, हेलीकॉप्टर में होगा, हेलीकॉप्टर से देखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में रहता है टॉर्पीडो, उससे इजी हो जाता है। और ये जिस शिप को मैं मार रहा हूँ ना, ये वाला कैरियर शिप है, अपोनेंट एनिमी का सबसे ख़तरनाक शिप यही है, जो कि अभी शायद जल्दी ख़त्म हो जाए। ड्रोन के मिसाइल्स में उतनी पावर नहीं है यार, जितनी इन फाइटर जेट्स में है। मैं इसी से मारूँगा इसको। अरे भाई सबमरीन ऊपर आ गई, अब तो गई भाई ये। भाई देख रहे हो कितनी ख़तरनाक मिसाइल उसने लॉन्च की सबमरीन वाले ने। भाई मेरी केवल 1500 की हेल्थ बची है, लो ख़त्म भी हो गया। भाई जीत भी गए हम, भाई मेरे जैसे ही फाइटर जेट्स ख़त्म हुए और हम जीत भी गए, बढ़िया था यार भाई। मतलब दो मिनट भी नहीं लगा होगा, ख़त्म हो गया पूरा मैच। भाई सही था यार, मैंने बहुत ही ख़तरनाक शिप ले लिया था यार, लगता ओवर पावर हो गया मेरा शिप। तो यार आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और इसी तरह के और भी गेम्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।